जय गुरुदेव। दोस्तों, आपका मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र में हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आज मैं बहुत दिनों बाद अपनी आवाज़ में वीडियो बना रहा हूँ। कुछ दिनों से मैं अपने गुरु की वीडियो अपने चैनल पर डालकर लोगों को दिखा रहा था। आज मैं अपनी आवाज़ में आपको चंद्र ग्रहण के ऊपर जानकारी देने वाला हूँ। चंद्र ग्रहण जो कि 8 नवंबर 2022 को आने वाला है, तो ये साधकों के लिए बहुत खुशी का मौका है, बहुत खुशी का अवसर है, क्योंकि मेरे साधक भाइयों ने सूर्य ग्रहण जो 25 अक्टूबर को पड़ा था, तो सूर्य ग्रहण वाले दिन गुरु दीक्षा में जो उन्होंने मंत्र लिया या उन्होंने कोई अप्सरा साधना ली या सुंदरी साधना ली या भूतनी साधना ली, जो भी साधना ली, उनके मंत्रों का जाप करके उनको सिद्ध किया। अब मेरे साधक भाइयों और मेरे लिए ये दूसरा मौका है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन में हम साधक लोग उन मंत्रों को दोबारा से सिद्ध कर सकते हैं, तो उन मंत्रों की शक्ति और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम साधक भाइयों का इसमें फ़ायदा ही है। 12 दिन के अंदर 2 ग्रहण हमको मिले हैं। 27 साल बाद ऐसा संयोग हमें मिला है, तो 12 दिन के अंदर हम अपने साधना को पूरा कर सकते हैं। 2 ग्रहणों में हम अपनी साधना को सिद्ध कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था अपने, जो मेरे आचार्य श्री महेश शर्मा जी का वीडियो था, जो मेरे गुरु हैं, उनका मैंने वीडियो डाला था कि सूर्य और चंद्र ग्रहण पर हम किन किन साधनाओं को सिद्ध कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मेरे गुरु आचार्य श्री महेश शर्मा जी ने बताया था कि सूर्य ग्रहण पर हम जो है उग्र और तंत्रोक्त विधि वाली साधनाओं को सिद्ध कर सकते हैं। उग्र साधनाओं में जैसे क्रोध भैरव जी की साधना हो गई, काली जी की साधना हो गई, हनुमान साधना हो गई, शिव साधना हो गई, ऐसी उच्च शक्तियों की साधना ये सूर्य ग्रहण में ही सिद्ध होती हैं। और जो सौम्य साधना होती हैं, जैसे कि परी साधना, यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना, सुंदरी साधना, योगिनी साधना, ये सौम्य साधना होती हैं, ये चंद्र ग्रहण में सिद्ध होती हैं। हो तो सूर्य ग्रहण में भी सिद्ध जाएंगी ये साधना। आप सूर्य ग्रहण में भी इनका मंत्र जप सकते हैं, और साधक भाइयों ने इन पराशक्तियों का सौम्य साधना वाली साधनाओं का मंत्र सूर्य ग्रहण में भी जपा था। चंद्र ग्रहण में अगर आप मंत्र जपोगे इन सौम्य साधनाओं का, तो ये ज़्यादा प्रभावी होती हैं, ये ज़्यादा प्रभाव देती हैं, और हो सकता है कि आपको अनुभव भी हो इसमें, अगर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन सौम्य साधनाओं का जो है जाप करोगे, तो इसमें आपको सफलता मिलने के चांस ज़्यादा हैं। क्योंकि सौम्य साधना जैसे कि अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी, इनकी साधना जो है सौम्य साधना होती है, और इनकी साधना चंद्र ग्रहण में जल्दी सिद्ध होती हैं, जल्दी प्रभाव दिखाने वाली होती हैं। तो साधक भाइयों, ये आपके लिए दूसरा मौका आ रहा है। अगर आप लोग चूक गए हों सूर्य ग्रहण वाले दिन, आप किसी भी मंत्र का जाप नहीं कर पाए हो किसी कारणवश, तो ये आपके पास दूसरा मौका है। चंद्र ग्रहण वाले दिन जो आपने साधना ले रखी है उसका मंत्र जाप कर सकते हैं। तो देखिए, आप अभी से ही तैयारी शुरू कीजिए। अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है और पूर्णमासी तक शुक्ल पक्ष रहेगा ग्रहण वाले दिन तक, तो आप अभी से ही तैयारी शुरू कीजिए। अभी 4 दिन पहले से ही आप जो है साधना अपनी शुरू कर दीजिए, तो चंद्र ग्रहण वाले दिन तक वो इतनी प्रभावी हो जाएगी कि आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ चमत्कार देखने को जरूर मिलेगा। बहुत से साधक भाइयों ने सूर्य ग्रहण वाले दिन जो कि 2 घंटे का पड़ा था मात्र, उस 2 घंटे में 8000 मंत्रों के जाप किए थे, और 8000 मंत्र जाप करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सौम्य साधनाओं में साधक को सफलता मिल जाती है। तो जिन भाइयों ने सूर्य ग्रहण वाले दिन 2 घंटे में मात्र 8000 मंत्रों का जाप किया, तो चंद्र ग्रहण में भी वो कम से कम 8000 मंत्रों का जाप करें, इससे पहले वो अपने आसन से ना उठें, जब तक उनके 8000 मंत्र जाप ना हो जाएं। देखिए, अगर आपने सूर्य ग्रहण में केवल 2 घंटे में 8000 मंत्रों का जाप किया है, तो चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है, इस आने वाला चंद्र ग्रहण, वो 1.5 घंटे का पड़ रहा है, तो आप कोशिश करेंगे तो 1.5 घंटे में भी आप 8000 मंत्रों का जाप कर लेंगे। अगर आप एकाग्र मन से मंत्र जाप करने बैठेंगे, तो हो सकता है कि आपके 1.5 घंटे में ही 8000 मंत्र जाप हो जाएं, और अगर 10-15 मिनट ऊपर हो जाएं तो कोई बात नहीं, जब तक आपके 8000 मंत्र जाप पूरे ना हो जाएं, तब तक आप आसन से ना उठिएगा।
भले ही चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए और आपके डेढ़ घंटे में अगर 8000 मंत्र जाप ना हो तो 10-15 मिनट और सही आप 8000 मंत्र जाप पूरे करके ही अपनी आसन से उठिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। और चंद्र ग्रहण से हमें 15 मिनट पहले बैठना है और चंद्र ग्रहण पूरे होने के 15 मिनट बाद ही हमें अपने आसन से उठना है। और ये चंद्र ग्रहण जो पड़ेगा ये शाम को 5 बजे से और 6:20 तक का पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण जो है डेढ़ घंटे का पड़ रहा है, तो डेढ़ घंटे में साधक चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो भाइयों, ये आखिरी अवसर है आपके लिए, इस अवसर को जो है आप हाथ से ना जाने दीजिए। जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, जो मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, वही मैंने कोशिश की है आप लोगों को मार्गदर्शन देने की। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे फेसबुक पेज भी है गुरुजी साधना केंद्र के नाम से और इंस्टाग्राम पेज भी है, दोनों पेजों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर जाकर आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिएगा। और यदि आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, और जो भी सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार नई जानकारी लेकर मैं जल्द उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।